आपके अपने YouTube चैनल रुपे ज्वाइन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं काला दिवस के बारे में, जो कि 1 जनवरी 2021 को NPS के विरोध में मनाए जाने वाला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी सिंह रावत जी के द्वारा यह काला दिवस 1 जनवरी 2021 को NPS का विरोध करके मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत जी के द्वारा ये बताया गया है कि काली पट्टी पहनकर और काला मास्क पहनकर इसका विरोध किया जाएगा और काली तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई जाएगी और ट्विटर पर हैशटैग NPS ब्लैक डे के रूप में लिखकर इस प्रकार के 60 लाख कर्मचारियों के द्वारा NPS के विरोध में सादर लोगों को निवेदन है कि 1 जनवरी 2021 को NPS को काला दिवस के रूप में सफल बनाने में जरूर सहयोग करें। हमारा मिशन पुरानी पेंशन 1 जनवरी 2021 को काला दिवस के रूप में अपील कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नुप्रुफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी सिंह रावत जी के द्वारा। यह कहना है कि काली पट्टी पहने और शाम 3 से 6 बजे के बीच में ट्वीट करें, हैशटैग NPS ब्लैक डे ट्विटर पर ट्वीट करें और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, 60 लाख कर्मचारियों से ये अपील करना चाहेंगे, रुपेश जड़चड़ ये अपील करना चाहेगा कि सभी लोग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 तारीख को ट्वीट करके हैशटैग NPS ब्लैक डे को एक सफल बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है वो सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नई पेंशन के विरोध में काला दिवस 1 जनवरी 2021 को मनाने वाला है और यह मोर्चा पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है और इस मोर्चे के तहत इस पुरानी पेंशन को लाने के लिए NPS का विरोध किया जाएगा और NPS के विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा और ट्विटर में 3 से 6 बजे के बीच में हैशटैग NPS ब्लैक डे के रूप में भेजा जाएगा।